हेलो बच्चों। सो आज हम सीखेंगे ऐड करना, एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ा है कि एडिशन कैसे करते हैं, लेकिन मैं फिर से इस क्लास में सिखा रही हूँ कि एडिशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है 2 + 3 = 5, तो वो 5 कैसे हुआ? अब यहाँ पे हमारे पास 2 डॉट है, ठीक है, 1 2, उसमें हमने 3 और प्लस कर दिया, 1 2 3, ठीक है। तब कितने हो गए? अब हमको फर्स्ट से काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 + 3 = 5। इसी तरीके से यहाँ पे है 2 1 2, वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से ये 5 हुआ। तो वो इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, इसी तरीके से हमें क्या दिया हुआ है, 4। हम ऐसे लाइन ले लेते हैं, 1 2 3 4, 4 + 2 + 2 लाइन और। तो अब ऐड करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 4 + 2 = 6। इसी तरीके से ये अप एंड डाउन में लिखा हुआ है और ये एक लाइन में लिखा हुआ है, तो 5 + 1, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 5 लाइन है, उसमें भी प्लस हमें क्या करना है, 1। तो हम ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 + 6, तो 5 + 1 = 6। इसी तरीके से 3 + 6, तो पहले हमने 3 लाइन बनाई, 1 2 3, फिर उसके बाद फिर से हमने 6 लाइन और बनाई, 1 2 3 4 5 6। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो हम ऊपर से ऐड करते जाते हैं या नीचे से ऐड करें, कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 + 6 = 9। इसी तरीके से अब यहाँ पे है 7 + 0, हमने मैंने बताया था कि 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, तो 7 + 0, 7 में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, वो एग्जैक्ट 7 रह जाएगा, तो 7 + 0 = 7। 0 + 9, 0 में 9 भी जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि 0 तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग वैल्यू। 0 + 9 = 9। इसी तरीके से आपको आगे भी करना है। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर्स के वे से कि यहाँ पे 3 बलून है ना, 1 2 3, फिर उसके बाद 2 बलून इस गर्ल्स के पास है। अब इन्हें ऐड करना है हमें, तो कितना हो जाएगा, 3 4 5, हमने लिख दिया 5 बलून। इसी तरीके से 3 + 0 इस गर्ल्स के पास, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 बलून तो है बट इस लड़की के पास एक भी बलून नहीं है, तो 3 + 0, 3 + 0 = 3। इसी तरीके से इस लड़के के पास जो बॉय है, बॉय के पास 0 है, यहाँ पे 2 है, तो 0 + 2 = 2। इसी तरीके से यहाँ पे 5 बलून है, तो 5 + गर्ल्स के पास 0 है, तो 5 + 0 = 5, क्योंकि 5 ही रह गया ना ये। अब इसी तरीके से यहाँ पे 3 है इस बंदे के पास, यहाँ पे 4 है, तो 4 3 + 4 क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। इसी तरीके से हमें सीखना है कि हम एडिशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ग्रेप्स हैं, तो यहाँ पे 3 ग्रेप्स हैं प्लस 4 ग्रेप्स हैं, तो 7। यहाँ पे कितने हैं एप्पल, कितने हैं, 1 2 3 4। अब 4 के ऊपर से हमें 4 और ऐड करना है ना, क्योंकि ये भी 4 है, तो 4 + 4, तो 4 के पास 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 4 + 4, ये भी 4 है ना। अब इसी तरीके से यहाँ पे कितने ले मैंने, 1 2 3 4 5, 5 है, अब यहाँ पे 2 है, 1 2, तो अब इसको ऐड करते जाएंगे तो 6 और 7 हुआ, तो कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे लिखा हमने 5, यहाँ पे लिखा 2, अब यहाँ हो गया 7। अब इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, अब इसी तरीके से यहाँ पे कितने हैं, 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, तो 4 कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6 + 3, 1 2 3, तो 6 + 3 = 9।
इसी तरीके से हमें अब यहाँ पे चैप्टर में क्या करना है, ऐड और मैच करना है। सो 4 + 2 इक्वल टू क्या होता है, 4 के बाद क्या आएगा, 4 के 4 तो हमारे पास है, उसके बाद हमें 2 और ऐड करना है, तो 4 के बाद 1 2, तो 4 5 6 6। अब 6 वाले डॉट कहाँ हैं हम सर्च करेंगे, सो यहाँ पे 6 है, सो हम यहाँ चले। अब यहाँ पे भी 3 + 3 है, तो 3 + 3 यहाँ पे भी है, 3 + 3 इक्वल टू 6 होता है। अब 4 + फिर यहाँ पे 7 है, 3 + 4, तो 3 पेरे पर पहले से हैं, तो 3 के बाद 4 5 6 7 होता है, सो 7। तो 7 कहाँ है भाई, यहाँ है। फिर इसी तरीके से 8 कहाँ है भाई, 8 + 0, 8 में सब 0, 8 में 0 ऐड करते तो हमेशा 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो 8 होता है। तो 8 कहाँ है, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से 9 कहाँ है भाई, यहाँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। 2 + 1 2 + 1 इक्वल टू 3, ये हो गया 1 1 + 3 इक्वल टू 4। इसी तरीके से आपको ऐड करना है बच्चों। सो इसी तरीके से हम एडिशन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है राइट द मिसिंग न्यूमरल, अब हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है कि आपको कैसे पता करना है। 5 है तो 4, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, सबके आंसर्स अलग आ सकते हैं, सेम आंसर नहीं आएगा। अब जैसे 5 कैसे आ सकता है, अब यहाँ पे 2 में 3 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, 4 + 1 करेंगे तब भी 5 आएगा, 5 + 0 करेंगे तब भी 5 आएगा। इसी तरीके से आपको ऐड करना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप आगे सीखना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हो, बट अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।